गर्भगृह के लिए पत्थर की तराशी, राम मंदिर के लिए नए सिरे से तराशे जा रहे हैं पिलर, पहले से तराशे गए 112 पिलर का नहीं होगा कोई उपयोग, 40,000 घनफुट पत्थरों का प्रयोग अब दूसरी मंजिल में होगा, गर्भगृह से लेकर भूतल और शिखर तक 161 फीट ऊंचा होगा मंदिर। अयोध्या में श्री राम मंदिर के प्रथम तल में बनने वाले पिलर यानी स्तंभों की डिजाइन में परिवर्तन कर दिया गया है। इसके बाद नए सिरे से पत्थरों की तराशी की जा रही है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुसार मंदिर के मॉडल में आंशिक बदलाव के बाद पिलर की डिजाइन बदल गई है, इसलिए राम मंदिर के गर्भगृह के लिए अब नए सिरे से पत्थरों की तराशी का काम किया जा रहा है। इससे पहले गर्भगृह के लिए तराशे गए करीब 40,000 घनफुट पत्थरों का प्रयोग अब दूसरी मंजिल के लिए किया जाएगा। राम मंदिर निर्माण कार्यशाला में 1989 से पत्थरों की तराशी का काम चल रहा है। मंदिर निर्माण के पक्ष में फैसला आने से पहले मंदिर में प्रयोग आने वाले पिलर्स के पत्थरों की तराशी का काम किया जा चुका है। इस तरह से अब तक 112 पिलर तराशे जा चुके थे, लेकिन अब इनका उपयोग कहीं और किया जाएगा। राम मंदिर का निर्माण के इस विशेष शो में आइए जानते हैं राम मंदिर के निर्माण की प्रगति रिपोर्ट के बारे में। मंदिर के मॉडल में किया गया बदलाव। राम जन्मभूमि परिसर में चल रहे मंदिर निर्माण के संबंध में ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा ने बताया कि 9 नवंबर 2019 को मंदिर निर्माण के पक्ष में फैसला आने के बाद मंदिर के मॉडल में बदलाव किया गया। नई डिजाइन के अनुसार अब मंदिर 3 मंजिला होगा। इससे मंदिर की ऊंचाई बढ़ गई है। गर्भगृह से लेकर भूतल और शिखर तक अब मंदिर कम से कम 161 फीट ऊंचा होगा। ऐसे में पहले मंजिल के लिए तराशे गए 112 स्तंभों की साइज में अंतर आ गया है। डिजाइन में बदलाव की वजह से मंदिर के हर एक तल का भार भी बढ़ गया है। यही वजह है कि मंदिर के लिए अब और मजबूत पिलर की ज़रूरत होगी। आर्किटेक्ट ने इसलिए नए सिरे से पिलर्स बनाने के निर्देश दिए हैं। इसी के बाद राजस्थान की कार्यशालाओं में कम से कम 1,00,000 घनफुट पत्थर को मंदिर के प्रथम तल के लिए तराशा जा रहा है। 15 जनवरी के बाद मंदिर के दूसरे चरण का काम होगा शुरू। श्री राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। पहले चरण का काम अब लगभग पूरा होने को है। कार्य की रफ्तार से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मंदिर निर्माण का काम 2024 से पहले पूरा हो जाएगा और जल्द ही राम भक्त रामलला के दर्शन मूल गर्भगृह में कर सकेंगे। राम मंदिर निर्माण स्थल के सबसे अहम निर्माण की फाउंडेशन पूरी हो चुकी है। नींव बनकर लगभग तैयार है। अब गर्भगृह के ऊपर मंदिर का निर्माण कार्य होगा। मंदिर निर्माण के लिए 20 फीट का लिंथ बनाया जा रहा है, जिसके ऊपर मंदिर के खंभे लगाए जाएंगे। 15 जनवरी के बाद मंदिर के दूसरे चरण का काम शुरू होगा। प्रथम तल के निर्माण के बाद अन्य तलों पर भी कार्य शुरू किया जा रहा है। माना जा रहा है कि 15 फरवरी तक प्लिंथ का काम पूरा हो जाएगा। परिसर के 70% हिस्से पर कोई निर्माण नहीं। श्री राम मंदिर निर्माण में पर्यावरण का विशेष ध्यान रखा जा रहा है, इसीलिए राम मंदिर परिसर में सिर्फ 30% हिस्से में ही निर्माण कार्य किया जा रहा है। 70% हिस्सा खुला और ग्रीन होगा। मंदिर में आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए विधिवत बंदोबस्त किया जा रहा है, जिसमें विकलांगों से लेकर बुजुर्गों तक के लिए हर तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। विकलांगों के लिए जहां अलग से व्हीलचेयर कॉरिडोर होगा, वहीं वरिष्ठ नागरिकों या चलने में असमर्थ लोगों के लिए कार्ट का भी इंतजाम किया जा रहा है। परिसर के अंदर बच्चों के लिए भी विशेष इंतजाम किए जाएंगे, ताकि वे बड़े बुजुर्गों के साथ आने पर बोर न हों। बच्चों को आकर्षित करने के लिए मंदिर के आसपास की दीवारों पर जगह जगह प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़ी पेंटिंग बनवाई जाएंगी।
श्री रामलला के दर्शन को सुगम बनाने के लिए और वीआईपी दर्शन के लिए अलग से मार्ग बनेगा। 35,000 घनफुट पत्थर अनुपयोगी। मंदिर की पहले की डिजाइन के आधार पर राम मंदिर के गर्भगृह के लिए करीब 75,000 घनफुट पत्थर और 112 स्तंभों की तराशी और नक्काशी की जा चुकी थी, लेकिन लंबे समय से खुले आसमान के नीचे रखे होने के कारण करीब 35,000 घनफुट पत्थर अनुपयोगी हो गए हैं। बाकी 40,000 घनफुट पत्थरों की सफाई कराकर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर रख दिया गया था। पुराने पत्थरों व स्तंभों की जो तराशी की गई थी वो दो तल के हिसाब से थी। क्योंकि अब मंदिर 3 तल का हो गया है, इसलिए पुराने स्तंभ मंदिर का भार उठाने में सक्षम नहीं होंगे। इसी तरह राम मंदिर की प्लिंथ की डिजाइन में भी थोड़ा परिवर्तन किया गया है। अब राम मंदिर की प्लिंथ के बीच में ग्रेनाइट के पत्थरों को भी लगाया जाएगा, जबकि प्लिंथ के किनारे किनारे मिर्जापुर के बलुआ पत्थर लगाए जाएंगे। इस तरह से कुछ और पत्थर की जरूरत होगी। श्री राम मंदिर के अनुरूप विकसित होंगे प्राचीन कुंड। श्री राम जन्मभूमि परिसर और अयोध्या के आसपास के क्षेत्रों को भी धार्मिक दृष्टि से विकसित किए जाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके लिए पहले परिसर के पास स्थित प्राचीन कुंडों का जीर्णोद्धार कराया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि परिसर के आसपास ब्रह्मकुंड गुरुद्वारा, मनकुंड, विद्याकुंड के साथ लाल डिग्गी तालाब का सबसे पहले सुंदरीकरण किया जाएगा। इन्हें श्री राम मंदिर के अनुरूप आकर्षक रूप प्रदान किया जाएगा। अयोध्या के 84 कोस के भीतर कुल 108 कुंड हैं। मंदिर निर्माण के साथ ही इन सभी कुंडों का सुंदरीकरण और जीर्णोद्धार कर इन्हें आकर्षक रूप प्रदान किया जाएगा। पर्यटन विभाग पहले चरण में 2.5 करोड़ से 3 कुंडों के सुंदरीकरण का काम करेगा, जिसमें स्वर्ण खनि, हनुमान कुंड और गणेश कुंड को शामिल किया गया है। स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप हो रही अयोध्या। अयोध्या को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए स्मार्ट योजना 2031 तैयार की गई है, जिसमें जन सुविधाओं को विकसित करने के साथ सुनियोजित विकास की रूपरेखा को तैयार किया जा रहा है। खास तौर पर आधुनिक परिवहन की सुविधाएं, पेयजल, वेस्टेज का सही उपयोग, सीसीटीवी कैमरे से लैस करते हुए परिक्रमा मार्ग को रामायणकालीन रूप में विकसित करने की योजना है। अयोध्या के डेवलपमेंट अथॉरिटी उपाध्यक्ष विशाल सिंह के अनुसार अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ ही अयोध्या की हर गली और चौक चौराहों को भी इंटरनेशनल सिटी के अनुरूप विकसित किया जा रहा है। पूरे शहर की ड्रेनेज व्यवस्था को सुधारा जा रहा है, सड़कें चौड़ी की जा रही हैं और चौराहों को और चौड़ा किया जा रहा है। गलियों में स्ट्रीट लाइटें लगाई जा रही हैं। अयोध्या में बढ़ गई जमीन की कीमतें। राम मंदिर के निर्माण के साथ ही अयोध्या वासियों के लिए कुछ मुश्किलें भी बढ़ी हैं। यहाँ जमीन की कीमतें बेतहाशा बढ़ गई हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद के फैसले के 2 साल बाद जनप्रतिनिधियों, नौकरशाहों और उनके परिजनों द्वारा अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर के आसपास की बेशकीमती भूमि की नियम कायदों को धता बताकर अंधाधुंध खरीद फरोख्त की गई। हालांकि योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। हवाई अड्डा या नई सड़कें बनाने और पुरानी सड़कें चौड़ी करने के लिए भूमि अधिग्रहण से भी अयोध्या में भूमि की कीमतें आसमान पर पहुंच चुकी हैं। इससे निर्बल आय वर्ग के तो क्या मध्य वर्ग के लोगों के लिए भी मुश्किलें बढ़ी हैं, लेकिन हर विकास की कीमत चुकानी पड़ती है, ये हमें समझना होगा। यही कीमत अयोध्यावासियों को भी चुकानी होगी। इस सच को स्वीकारते हुए राम मंदिर का निर्माण का ये शो के बारे में अपनी राय जरूर दें। आपका ये शो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर लिखें।